गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द थ्री मोमेंट थ्योरम। देर आर न्यूमरस टाइप्स, सो टुडे वी विल टेक द अनदर मेथड। एज इफ देर आर डिफरेंट टाइप्स रिमेनिंग फॉर द लर्न, देन वी विल टेक इट इन द आफ्टर आई आई टी टू। ओके, सो टुडे वी आर टेकिंग द अनदर मेथड, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। एज we have to complete some part for the IIT 2, that's why we will complete the flexibility method। jitna ho sakta hai utna hum log complete karenge, so that we will ask something regarding the flexibility method in the IIT 2। so let us start what do you mean by flexibility method first। as we see the flexibility method, it is nothing but one of the type of force method। hum logo ne pehle se yahan pe likha tha starting mein ki force method aur displacement method kya rehta hai। That is, force method is nothing but the method in which forces, these are the primary unknowns, whereas displacement method, उसमें displacement primary unknown थे, यहाँ पर forces अपने को output मिलेगा। So flexibility method हम लोग कब use करते हैं, जब हम लोग कह सकते हैं when IS value is less than IK, that is number of unknown of the forces। ओके, नंबर ऑफ फोर्सेस, अननोन फोर्सेस आर लेस दैन द नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली द कैलकुलेशन पार्ट फॉर द फोर्सेस विल बी लेसर। एट दैट टाइम वी विल यूज फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी अगर यूज करना है तो भी यूज कर सकते हैं। सो देर आर सम टर्म्स, लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट वन, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। ओके, व्हाट डू मीन बाय द फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। ये अपना एक टर्म है, बिकॉज ये तुम लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एफ आई जे से। ओके, इट इज द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। देखो कैसे, इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इट इज़ द फोर्स मेथड, बट द फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट जो हम लोग निकालते हैं, इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई। देखो यहाँ पे एफ आई जे लिखा हुआ है, सो आई जो लिखा हुआ है वहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग कंसिडर करेंगे। आई और जे दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, सो डिस्प्लेसमेंट एट द कोऑर्डिनेट आई, यानी कि आई के डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। ड्यू टू यूनिट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जे कोऑर्डिनेट, in the direction of, or we can simply say at j coordinate, in the direction of j coordinate. It is very simple, we are just calculating the displacement in the I coordinate due to the unit force in the j coordinate. Unit force means we are going to apply the 1 kN load. Okay, jaise hum logon ne unit load method mein hum logon ne study kiya tha, same waise hi hum log yahan pe nikalne wale hain। एज ये भी यूनिट फोर्स से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ द यूनिट लोड मेथड हियर टू कैलकुलेट द फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो सिंपली कोई भी अगर तुम लोगों का आईएस का जो वैल्यू रहेगा, लेट अस कंसीडर वहाँ पे 1 है, तो दैट 1 डायरेक्शन विल बी नथिंग बट ओनली इट विल इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। ओके, सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं। सो इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, लेट अस कंसिडर दिस बीम, अगर इसमें हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर यहाँ पे वर्टिकल कोऑर्डिनेट फर्स्ट है और सेकेंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे मोमेंट है। ओके, दीज आर ओनली कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रहता है, ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। देयर में भी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट और देयर में भी यहाँ पे मोमेंट का कोऑर्डिनेट रह सकता है। सो इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि F12, अगर मैं यहाँ पे F12 बोलता हूँ,
देखो एफ आई जे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एफ वन टू मतलब क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट. ओके प्रोड्यूस, ओके डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यूनिट फोर्स, ड्यू टू यूनिट फोर्स इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, इन सेकेंड कोऑर्डिनेट. इसका मतलब क्या हुआ, जब सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे मोमेंट है. सो व्हेन वी अप्लाई दी 1 किलोन्यूटन मीटर का जब मोमेंट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा एट द सेकेंड कोऑर्डिनेट, एट दैट टाइम फर्स्ट में यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल, दैट इज नथिंग बट यूर एफ वन टू. सिमिलरली अगर एफ टू वन अगर मैं बोलता हूँ तो एफ टू वन उसके अपोजिट हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, दैट इज रोटेशन. ओके ड्यू टू द यूनिट फोर्स एप्लीकेशन इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल 1 किलोन्यूटन का लोड लगाता हूँ तो सेकेंड में कितना यहाँ पे फोर्स जनरेट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे एफ आई जे मतलब क्या रहता है. आई विल इंडिकेट दी कोऑर्डिनेट फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वेर एज जे इंडिकेट द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिट लोड. सो लेट अस, हेंस वी हैव टू, यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक अननोन अगर हम लोग बोलते हैं तो बेसिक अननोन को यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिक अननोन्स विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. लेट अस राइट दैट पॉइंट, दैट इज बेसिक अननोन्स आर रिडंडेंट फोर्सेस. Basic unknowns are redundant forces. Redundant forces is nothing but जो हम लोगों को extra unknown जो रहेंगे उसको हम लोग redundant forces बोलते हैं. So extra unknown हम लोग कैसे find out करेंगे, obviously जब हम लोग कोई भी अगर beam calculate beam यहाँ पर बनाते हैं, so let us consider अगर ये total fixed beam है, so we have to consider एनी थ्री. यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा अननोन है, तो तीनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल अज्यूम इट एज रिडंडेंट. तो देयर विल बी फर्स्ट, यहाँ पे P1 बोल सकते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट रिडंडेंट, देन दिस इज सेकेंड रिडंडेंट एंड दिस इज थर्ड रिडंडेंट. सो वॉट एवर दिस P1, P2, P3 आर नथिंग बट द रिडंडेंट, और वी कैन से एक्स्ट्रा अननोन्स जो हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेंगे. हेंस वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड देयर बाय रिडंडेंट फोर्सेज. जब भी मैं यहाँ पे रिडंडेंट फोर्सेज एज्यूम करूँगा, एट दैट टाइम ध्यान में रखना कि ये रिडंडेंट फोर्सेज ऐसे एज्यूम करने की कि उसको रिमूव करने के बाद वी विल गेट द बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. जैसे मैंने अगर ये तीनों को अगर मैं रिमूव करता हूँ, फिक्स्ड यहाँ पे सपोर्ट जो है वो अगर मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, कैंटिलियर बीम मिल गया. तो कैंटिलियर बीम हम लोग सिंपल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू यूज द यूनिट लोड मेथड. सो कभी भी हम लोग रिडंडेंट जब कंसिडर करेंगे, एट दैट टाइम ध्यान रखने का कि हम लोग ऐसे ही फोर्सेस कंसिडर करेंगे जिसके रिमूवल के बाद अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेगा इट विल बी बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो इट मे बी कैंटिलियर, इट मे बी योर सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. सो द नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस, यहाँ से अपने को पता चलता है कि नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस आर नथिंग बट योर आईएस वैल्यू. ओके इट मे बी इंटरनल, इट मे बी एक्सटर्नल, डिपेंडिंग ऑन दैट. सो डिस्प्लेसमेंट इन द बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा इन द बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, मीन्स ये कैंटिलियर में कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ड्यू टू द ओनली एक्सटर्नल लोडिंग, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं. आफ्टर दैट, आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट, वी विल जस्ट फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द यूनिट लोड इन द कोऑर्डिनेट डिरेक्शन, एंड देन यूजिंग द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द अननोन फोर्सेस. सो लेट अस राइट डाउन दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. और सम ऑफ यहाँ पे अगर तुम लोगों को एक और मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स उसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं. सो इफ स्ट्रक्चर हैज़
if structure has n number of coordinates. एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स रहेंगे उसके हिसाब से ये एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रहेंगे. इट्स ए डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस. इट्स डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस. टू द फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली. तुम लोगों का जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स जो रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट, वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर तुम लोगों का आईएस का वैल्यू अगर मोर देन वन है तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा. सो दैट एन इज़ नथिंग बट ये भी रिप्रेजेंट करेगा तुम लोगों का आईएस का वैल्यू. ओके डिपेंडिंग ऑन द आईएस तुम लोगों का कोऑर्डिनेट्स भी तुम लोगों का वैरी होगा. सो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं दैट इज F11 F12 F13 डाइजेस्ट अप टू वट एवर अप टू द लास्ट दैट इज F1N तक चल जाएगा. सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं F21 F22 F23 डाइजेस्ट अप टू F2N ये भी लास्ट तक चला जाएगा दैट इज FN1 FN2 FN3 डाइजेस्ट अप टू दैट इज FNN. दिस इज नथिंग बट यूर मैट्रिक्स. मैक्स टू मैक्स हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें तीन ज़्यादा से ज़्यादा अननोन्स रहेंगे बिकॉज वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम थ्री अननोन्स बाय यूजिंग योर कैलसी. सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द मैट्रिक्स ऑफ 3x3. इसका मतलब क्या हुआ, दिस एन बाय एन मतलब क्या इंडिकेट करता है कि तुम लोग का जो नंबर ऑफ अननोन्स है दैट इज आई एस का वैल्यू है, इट इज़ नथिंग बट एन. सो अपने पास मैक्स टू मैक्स थ्री अननोन्स रहने वाले हैं. सो वी विल कैलकुलेट ओनली 3x3 का मैट्रिक्स. तो इसमें क्या इंडिकेशन रहता है, तीन मैट्रिक्स मतलब 3x3 का मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे हम लोग कितने वैल्यूज निकालने वाले हैं, 1 2 3 6 9 फॉर सिंगल मैट्रिक्स. सो वी हैव टू अप्लाई दी. अभी देखो यहाँ पे F11 निकाला, तो F11 मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू दी यूनिट लोड इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अपने को यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली F12 दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू दी यूनिट लोड इन दी सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट भी अपने को यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा. तो सिमिलरली हर एक कोऑर्डिनेट में यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिट लोड मेथड यूज करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द यूनिट लोड. वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग एनी अदर मेथड ऑल्सो दैट इज मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड. बट जैसे जैसे यहाँ पे अननोन इंक्रीज होता जाएगा सो वी विल गेट द इजी सॉल्यूशन बाय द यूनिट लोड मेथड. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द यूनिट लोड मेथड टू फाइंड आउट द फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग. सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. जस्ट चेक इट प्रोसीजर कैसा है, उसके हिसाब से तुम लोगों को पता चल जाएगा. इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, दैट इज स्टेप बाय स्टेप मेथड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. For flexibility method. It is very simple, but just try to concentrate very well. First step में हम लोग simple first अपने को क्या important है, that is we should know number of unknowns. So obviously we will going to find out the IS value, that is static indeterminacy. अगर फोर्स मेथड है तो हम लोग स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, इट इज़ योर फर्स्ट मेथड, सॉरी फर्स्ट स्टेप फॉर ईच प्रॉब्लम. स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी दैट इज आई एस वैल्यू. वंस वी गेट द आई एस वैल्यू दैट इज वी कैन राइट हियर फाइंड आउट आई एस विच इज नथिंग बट ई प्लस आई. ऑब्वियसली तुम लोगों का मोस्टली जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ हम लोग ई को ही कंसिडर करते हैं, आई नॉर्मली जीरो ही लेते हैं बिकॉज हम लोग लूप वाला फॉर्म यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों का ई का ही वैल्यू हम लोग एक्सटर्नली फाइंड आउट करने वाले हैं. अगर ट्रस्ट रहेगा तो वी विल फाइंड आउट द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अननोन. सो यहाँ पे हम लोग मोस्टली यहाँ पे आई एस का वैल्यू निकालते हैं. आफ्टर दैट स्टेप नंबर टू, ओके स्टेप नंबर वन में ही हम लोग ले लेते हैं चलो, दैट इज वी विल रिमूव, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एज्यूम, पहले रिडंडेंट एज्यूम कर लेते हैं.
assume redundant. रिडंडेंट मतलब अननोन फोर्सेज जो अपने को फाइंड आउट करना है. और ये कैसे हम लोग निकालते हैं, दैट इज वी हैव टू एज्यूम रिडंडेंस टू मेक बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ओके. जिसके रिमूवल से अपने को बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मिले उसके हिसाब से ही अपने को रिडंडेंट एज्यूम करना है. प्लीज टेक ए नोट, रिडंडेंट इस तरह से ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे जैसे हम लोग उसके रिमूवल के बाद बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मिले. ओके, देन सेकेंड इसमें वी विल टेक दैट इज असाइन कोऑर्डिनेट्स मतलब इसको सिर्फ नंबरिंग देना है अपने को. असाइन कोऑर्डिनेट्स इन द रिडंडेंट डायरेक्शन, और वी कैन सी इन द डायरेक्शन ऑफ रिडंडेंट. इसमें अपने को डायरेक्शन देना है, ओके. और यहाँ पे नंबरिंग देना है, बिकॉज अगर मोमेंट रहेगा तो मोमेंट को हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन देंगे और नंबर देंगे. ऑब्वियसली डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉट एवर डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग एज्यूम करें कि वो उसी डायरेक्शन में होगा. अगर नेगेटिव आ गया तो वो अपोजिट में रहेगा. सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू चेक इट. थर्ड वन यहाँ पे अगर असाइन हो गया उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर टू लिखते हैं. लेट अस कंसिडर स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू में वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग इन बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हम लोग निकालने वाले डेल्टा एल. अभी डेल्टा एल डिपेंड जो रहेगा, इट इज नथिंग बट डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स. डेल्टा एल इज नथिंग बट दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके, टोटल इसमें नहीं निकाला है हम लोग. बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था बाय रिमूविंग द रिडंडेंट. रिडंडेंट रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर निकालते हैं. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टू मेक द बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रिमूव रिडंडेंट. रिडंडेंट रिमूव करने के बाद ही यहाँ पे बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मिलेगा. डेल्टा एल इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके, बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग ओनली. वॉट एवर एक्सटर्नल लोडिंग रहेगा उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा एल. वॉट एवर ये भी हम लोग निकालेंगे बाई यूजिंग द यूनिट लोड मेथड, दैट इज डेल्टा एल. ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है डेल्टा एल इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई. इफ यू रिमेंबर यूनिट लोड मेथड, तो इसमें हम लोगों ने निकाला था इफ द कोऑर्डिनेट्स आर मोर देन वन, सो वी कैन टेक दैट इज डेल्टा वन एल. अगर मेरे को निकालना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग. ओके, तो इसके लिए हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम वन डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है तो दैट विल बी डेल्टा टू एल. इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए ये भी आ जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम टू डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स. सिमिलरली जितने नंबर ऑफ यहाँ पे अननोन्स रहेंगे उसके हिसाब से डेल्टा एल के वैल्यूज यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे. सो नाउ वी विल नॉट डू द कैलकुलेशन इन दिस स्टेप, दैट इज टोटल हम लोग यूनिट लोड मेथड ही यूज़ करने वाले. तो लास्ट में हम लोग कैपिटल एम डायग्राम स्मॉल एम डायग्राम बना के टोटल कैलकुलेशन करेंगे. सो डोंट वरी, ये स्टेप्स में सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन यानी कि स्टेप्स कैसे कर रहे हैं, ये सिर्फ लिखने के लिए किया है. एक्चुअल प्रॉब्लम में हम लोग वेरी शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, देयर इज नो नीड टू फॉलो दिस मच ऑफ दी प्रॉब्लम. लेकिन ये प्रोसीजर में हम लोग क्या क्या करते हैं ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग रिडंडेंट एज्यूम करने के बाद उसको रिमूव करते हैं, देन उसको कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं. ये मेथड हम लोगों को ये ध्यान में रखना है. सो आफ्टर गेटिंग द डेल्टा एल, दैट इज स्टेप नंबर थ्री. इट्स लास्ट स्टेप, दैट इज सॉरी लास्ट मीन्स स्टेप नंबर थ्री में हम लोग डायरेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट निकालते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो डायरेक्टली. सो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अननोन्स, तो उसके हिसाब से उसका डिग्री जो रहेगा इट विल बी एन, विच इज़ नथिंग बट आई एस. तो जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स उसके लिए हम लोग निकालेंगे दैट इज एफ आई जे. एफ आई जे इज नथिंग बट सिंपल वही लिखना है अपने को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन आई कोऑर्डिनेट.
y कोऑर्डिनेट. ओके यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को निकालना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट इन y कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट लोड इन jth कोऑर्डिनेट. अभी यहाँ पे देखो, इसके लिए भी यूनिट लोड अप्लाई करेंगे हम लोग. कैसे? अभी यहाँ पे जब मैं लोडिंग के वजह से निकाल रहा था, एट दैट टाइम देखो कैपिटल एम डायग्राम इंटू स्मॉल एम वन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था. अभी यहाँ पे यूनिट लोड के वजह से हम लोग निकाल रहे हैं. सो यूनिट लोड की वजह से देखो, अगर मैं यहाँ पे F12 अगर मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्मॉल एम तो यूज़ करना ही अपने को M1. 2 यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल लोडिंग के लिए. तो 2 के इसमें हम लोगों ने जब यूनिट लोड अप्लाई किया था, तो वो हम लोग डायग्राम यहाँ पे यूज़ करेंगे. इन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट टेक दैट इज FIJ. अगर अपने को निकालना है, दैट FIJ इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल MI इंटू स्मॉल MJ डिवाइडेड बाई ER इंटू DX. मतलब दोनों डायग्राम का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा. सो यानी कि अगर मैं F12 निकालता हूँ, तो दैट F12 विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू M2 इंटीग्रल ऑफ M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई EI इंटू DX. सिमिलरली हर एक तुम लोगों का कोऑर्डिनेट आएगा, उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट यहाँ पे चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन. सो आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इट इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, डायगोनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो डायगोनली सिमेट्रिक होने के बाद FIJ का अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो इट इज़ डायगोनली सिमेट्रिक. तो तुम लोग चेक कर सकते हो कि इस साइड का जो तुम लोगों का वैल्यू रहेगा और इस साइड का वैल्यू रहेगा, वो दोनों सेम रहने वाला है. सो वी डोंट नीड टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी वैल्यू. वंस वी गेट दिस मच ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, और वी कैन से दिस मच ऑफ द कोएफिशिएंट, वी कैन डायरेक्टली टेक दैट कोएफिशिएंट वैल्यू इन द बॉटम साइड, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज द डायगोनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज डायगोनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स. After getting the matrix, that is step number 4. Step number 4, we will write down the equilibrium equation, which is nothing but compatibility equation. Compatibility equation is nothing but equation in the form of displacement. So, ye equation hum log yahan pe likhenge, dekho. टोटल एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एट दी जॉइंट. एक सिंगल जॉइंट के ऊपर टोटल एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग प्लस, ये बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में लगाया हुआ है. तो मतलब जो रिडंडेंट के वजह से जो आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो अपने को ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से प्लस यहाँ पे हम लोग ड्यू टू द यूअर बेसिक अननोन जो है तुम लोगों के, उसके वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे. तो दैट विल बी नथिंग बट योर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई योर रिडंडेंट मैट्रिक्स. ये सब मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा इट विल बी योर कैपिटल एन मल्टीप्लाई 1. कॉलम मैट्रिक्स रहेगा ये, दैट इज इफ देर आर IS विल बी एन नंबर ऑफ अननोन्स, देन ये रहेगा एन मल्टीप्लाई 1. ये भी तुम लोगों का एन बाई 1 का मैट्रिक्स रहेगा, और ये तुम लोग का होने वाला है n बाय n का मैट्रिक्स F मैट्रिक्स, और ये भी तुम लोगों का n बाय 1 का मैट्रिक्स रहेगा. R इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ तुम लोगों का रिडंडेंट्स, दैट इज R इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शन जो रहेंगे 1, 2 वट एवर, जितने नंबर ऑफ अननोन से उसके हिसाब से. F जो रहेगा तुम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग यूनिट लोड मेथड से फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा L इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग इन द बेसिक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, और डेल्टा इज नथिंग बट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट. तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो रहेगा. इफ क्वेश्चन में अगर उन्होंने खुद से इंडिकेट किया है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसका वैल्यू गिवन रहेगा, एट दैट टाइम देर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डेल्टा मैट्रिक्स. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम 99% डेल्टा वैल्यू विल बी जीरो. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द डेल्टा एल फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट दिस रिडंडेंट वैल्यू, दैट इज R1, R2, R3, विच आर नथिंग बट द रिएक्शन जो हम लोग एज्यूम करने वाले हैं एज अ रिडंडेंट. सो वंस वी गेट द R1, R2, R3 दैट इज रिडंडेंट, देन वी कैन सिंपली यूज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टू फाइंड आउट द अदर अननोन रिएक्शंस. ओके, सो दिस इज द टोटल मेथड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी. सो वी विल टेक वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे यहाँ पे तुम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं. सो लेट अस टेक वन प्रॉब्लम.
we will check the basic. Okay, analyze the given probe cantilever. देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को सिंपल प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ, सो दैट वॉट एवर तुम लोगों को आइडिया आ जाए कि एग्जाम में अगर यूनिट टेस्ट में अगर कुछ आता है, ऑब्वियसली देर विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. सो वी विल लर्न 1 to 2 प्रॉब्लम्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे यहाँ पे उसका एनालिसिस कर सकते हैं. सो वी हैव गिवन, वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, we have given the probe cantilever which is subjected to the UDL. So let us consider UDL. Probe cantilever means at one end fixed and another end is roller. The value of the UDL is 10 kN per meter. Let us write down the naming, that is AB, and the total length of the beam is 3 meter. So now this is the problem, and the given is analyze the given beam. It is very simple because we have only one unknown. If you check the IS value, if you go step by step procedure, that is IS will be nothing but your E plus I, and I will be 0 as it is beam. तो beam के लिए तुम लोगों का internal intermittency will be 0. तो E का value जो रहेगा that is capital R minus small r, which is equals to total check करोगे यहाँ पे 3 plus 1 that is 4 minus total equations will be 3, it will be 1. देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी विल नॉट कंसिडर दी हॉरिजेंटल तुम लोगों का फोर्स है, वो कभी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज इट इज़ बीम बोला हुआ है, बीम में कभी हॉरिजेंटल लोडिंग तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, बिकॉज बीम इट इज़ बीम का डेफिनेशन ही वैसा है, दैट इज़ द मेंबर विच इज़ सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोडिंग. तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे 4 और 3 नहीं लिखते हैं. हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिमूव दी जो हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हॉरिजेंटल रिएक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है, इक्वेशन एज वेल एज अननोन, वो सब हम लोग रिमूव करते हैं. सो यहाँ पे अगर मैं अननोन कंसिडर करूँगा तो हेयर विल बी 2 अननोन्स एंड 1, दैट विल बी 3 अननोन्स. हॉरिजॉन्टल का निकाल दिया, और देयर विल बी हॉरिजॉन्टल का जो रिएक्शन है वो भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा रिएक्शन ओनली 2, तो दैट विल बी 1. ओके, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं फॉर द बीम ओनली. ओके, बाकी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लिख सकते हैं, बट फॉर बीम, अगर स्पेसिफिक बीम दिए हुए वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का जो इक्वेशन है और अननोन है वो दोनों रिमूव कर लेंगे. There is no need to consider it. That is one unknown. So now we will consider the unknown. If you observe, sir, yes, sir, 4 minus 3 अपने कैसे लिया एक बार एक्सप्लेन. Yes, क्या हुआ 4 minus 3? कैसे लिया, मतलब 4 और 3 कहाँ से लिया? IS का वैल्यू नहीं निकाला तुम लोगों ने, E का वैल्यू क्यों निकालते हैं? R मतलब क्या है, कैपिटल R, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्शन, कितने नए रिएक्शन है यहाँ पे, 3 और प्लस 1 4, और आर कितना रहता है, 3 रहता है. ये तो बेसिक हो गया, इसके बियॉन्ड मैं सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 माइनस 2 लेते हैं हम लोग. नो नीड टू कंसिडर 4 माइनस 3 बिकॉज इट इज बीम. तो बीम में अपने को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से रिलेटेड जो तुम लोगों का इक्वेशन है और रिएक्शन है वो कंसिडर ही नहीं करना. सो फिक्स सपोर्ट के ऊपर एक मोमेंट और एक वर्टिकल रिएक्शन, देयर विल बी 2, एंड देयर रोलर है वहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन. तो ये तीनों मिला के यहाँ पे ये 3 अननोन हो जाएंगे. माइनस यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन हम लोगों ने यूज़ किया है, बिकॉज समेशन ऑफ मोमेंट एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स ओनली. हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन भी रिमूव कर दिया, हॉरिजॉन्टल के अननोन भी रिमूव कर दिए, तो मिला के यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो बीम के लिए सॉल्व करते समय हम लोग ऐसे ही करेंगे, कैपिटल आर विल बी, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल का रिएक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, और तुम लोगों का जो स्मॉल आर है उसमें तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे. सो आफ्टर गेटिंग द IS वैल्यू, हम लोगों ने क्या कहा था, वी विल रिमूव द एक्सटर्नल, तुम लोगों का जो अननोन है दैट इज़ रिडंडेंट, वो हम लोग रिमूव करेंगे. सो रिडंडेंट हम लोग कौन सा भी एज्यूम कर सकते हैं. ओके, मैंने बोला है कि मोस्टली बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द रिडंडेंट एज वी बी, वी कैन टेक वी बी. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द एम ए, तो एम ए भी कंसिडर कर सकते हो, वी ए भी कंसिडर कर सकते हो. बट नाउ अगर बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. सो फॉर दैट रीजन वी विल यूज़ दी
वी बी एज रिडंडेंट. अगर वी बी ले लिया हम लोगों ने तो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर अस. सो लेट अस कंसिडर वी बी एज रिडंडेंट. तो देखो अपने को सिर्फ यहाँ पे कैपिटल एम डायग्राम स्मॉल एम डायग्राम यही बनाना है, बाकी कुछ यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं है. सो लेट अस टेक वी बी एज रिडंडेंट. अगर हम लोग वी बी कंसिडर करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ नथिंग बट वी बी या फिर आर बी वॉट एवर. सो वी हैव दी यू डी एल दैट इज 10 kN/m. दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कहा था, यू शुड एज्यूम दी कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट हम लोगों को खुद से एज्यूम करना है. ओके सो लेट अस कंसिडर, मैं यहाँ पे वी बी रिमूव कर दिया मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा. दिस इज अपवर्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट. ओके देर इज़ नो नीड टू पुट, यहाँ पे अभी वी बी नहीं लिखूंगा मैं, मैंने वी बी यहाँ पे रिमूव कर दिया है. अपने को कोऑर्डिनेट असाइन करना है, तो जो रिडंडेंट हम लोगों ने रिमूव किया वहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट असाइन करूँगा. सो वी कैन असाइन दी डाउनवर्ड और वी कैन असाइन दी अपवर्ड. ओके सो ये कोऑर्डिनेट जो असाइन करते हैं उसके हिसाब से हम लोग यूनिट लोड अप्लाई करने वाले हैं, और ये कोऑर्डिनेट हम लोगों ने जो असाइन किया है उसके हिसाब से यहाँ पे ये फोर्स का डिरेक्शन अपने को मिलने वाला है लास्ट में. सो अगर मैंने कोऑर्डिनेट अपवर्ड एज्यूम किया हुआ है तो अपना जो वैल्यू जो मिलेगा रिएक्शन का वो लास्ट में अगर नेगेटिव आता है तो अपना जो रिएक्शन है इट इज़ डाउनवर्ड, अगर पॉजिटिव आता है तो ये अपवर्ड ही रिएक्शन रहेगा. सो लेट अस कंसिडर दिस इज़ योर कैपिटल एम डायग्राम. ये सिर्फ नाम के लिए है, सो वी कैन टेक, अगर नहीं करना है तो वापस हम लोग एक और डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल एम डायग्राम. नेक्स्ट वन, अपना जो नेक्स्ट स्टेप था इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी विल रिमूव दी एक्सटर्नल लोडिंग एंड वी विल अप्लाई दी यूनिट लोड इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं, दैट इज नथिंग बट स्मॉल एम डायग्राम. फॉर दैट वी विल रिमूव दी एक्सटर्नल लोडिंग, टोटल एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे एंड वी विल अप्लाई दी यूनिट लोड इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट अपना ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक ही है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट लोड अप्लाई कर दिया, बाकी का डायमेंशंस वगैरह ये सब सेम ही रहेगा. दिस इज 3 meter, दिस इज ऑल्सो 3 meter, दिस इज अवर स्मॉल एम डायग्राम. नाउ यूनिट लोड मेथड में अगर अपने को वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो मोस्टली वी आर यूजिंग द टेबल. तो यहाँ पे भी मैं टेबुलर फॉर्म ही बनाऊंगा. तो यहाँ पे भी अपने 3 steps ही रहेंगे मेन, कैपिटल एम डायग्राम, स्मॉल एम डायग्राम एंड द नेक्स्ट वन दैट इज टेबल. तो टेबल में देखो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, जो रिक्वायर्ड है वही हम लोग लिखेंगे. सो टेबल में अपने को यहाँ पे, इसके लिए इतना बड़ा टेबल नहीं आने वाला है बिकॉज इट इज़ ओनली वन अननोन के लिए है, इसलिए ये छोटा आएगा. फर्स्ट वन दैट इज़ मेंबर, उसके बाद ओरिजिन अपने को कंसिडर करना पड़ेगा एज वी हैव टू टेक द लिमिट, तो लिमिट भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. आफ्टर दैट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम वन. सो लेट अस कंसिडर यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन से हैं. सिर्फ ए बी यहाँ पे एक ही अननोन, सॉरी एक ही यहाँ पे मेंबर है. बीच में अगर कुछ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी रहती होती तो यहाँ पे हम लोग 2 members कंसिडर कर सकते थे, बट अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ए बी एक ही यहाँ पे मेंबर कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट अस कंसिडर दिस इज ए बी. नाउ ओरिजिन वी कैन कंसिडर ए एज ए ओरिजिन और वी कैन कंसिडर बी एज ए ओरिजिन, बट इफ़ यू ऑब्जर्व बी हम लोग ओरिजिन अगर कंसिडर करेंगे तो इट विल बी सिंपल फॉर अस, बिकॉज ए अगर ओरिजिन कंसिडर करता हो तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को रिएक्शन टोटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो टू अवॉइड दैट कैलकुलेशन वी विल कंसिडर बी एज ओरिजिन. सो लिमिट विल बी नथिंग बट 0 to 3, इफ यू ऑब्जर्व द लेंथ तो इट विल बी 0 to 3. नाउ एम, तो इसके लिए हम लोगों को सेक्शन लेना पड़ेगा. बी ओरिजिन लिया है हम लोगों ने, सो वी कैन से ये तुम लोगों का सेक्शन है. सेम यहाँ पे सेक्शन रिपीट होगा स्मॉल एम डायग्राम में. ओके कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे जो सेक्शन लेगा हम लोग वही सेक्शन यहाँ पे वापस रिपीट करेंगे विद दिस सेम तुम लोगों का ओरिजिन. ओके तो पहले हम लोग कैपिटल एम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे. इफ़ यू टेक द मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट है. ओके असाइन किया हुआ कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये सिर्फ डिरेक्शन दिखने के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है. सो इफ़ यू वॉन्ट असाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट हम लोग दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं पहले और उसके बाद कैपिटल एम डायग्राम बना सकते हैं. सो लेट अस अवॉइड इट, वी विल जस्ट टेक कि यहाँ पे 10 kN/m का तुम लोग का UDL है. अगर इसका मैं मोमेंट लेता हूँ तो इट विल बी क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव. सो वी कैन टेक दिस इज नेगेटिव वैल्यू उसका रहेगा, दैट इज
टोटल लेंथ कितना है एक्स, क्वांटिटी कितना है 10 kN/m। तो 10 × x पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 2, दैट इज नथिंग बट इट्स डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 10x² डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर दैट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न स्मॉल m की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेक्शन है, ये कोऑर्डिनेटर इसका मैंने लिया नहीं है। अभी यहाँ पे स्मॉल m की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 kN का लोड है। सेक्शन के ऊपर अगर मैं इसका मूवमेंट लेता हूँ तो इट विल बी इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 × x ये एक ही मूवमेंट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज एक्स। तो ये अभी टेबल बहुत छोटा हो गया बिकॉज अपने मेंबर्स बहुत कम है, बट एक्चुअल जो फ्रेम का या फिर कोई और रहेगा प्रॉब्लम एट दैट टाइम ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा बढ़ेगा। सो लेट अस इसके लिए हम लोग इतना ही टेबल बना लेते हैं। आफ्टर दैट अपने को क्या क्या चाहिए, ओनली वन यहाँ पे अननोन है तुम लोगों का। सो वी विल गेट दी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ओनली वन बनेगा, दैट इज F11। सो F11 विल बी नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल M1 इंटू स्मॉल M1 डिवाइडेड बाय EI। स्मॉल M1 इंटू स्मॉल M1 विल बी M1² इंटू DX। सो विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 0 to 3 है, M1 विल बी नथिंग बट X, तो X का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI इंटू DX। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज F11। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तुम लोग का वैल्यू जो आता है दैट इज 9/EI। प्लीज चेक इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बराबर सर। सेकेंड वन जो है देखो, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 1/1 का बनेगा, तो इसलिए एक ही यहाँ पे अननोन रहेगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग दैट इज Δl, ये भी एक ही बनेगा। सो वी कैन राइट ओनली Δ1L इफ यू वॉन्ट, Δl भी लिखा तो भी चलेगा। इट विल बी इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से बनाता है, कैपिटल L फॉर द कैपिटल M एंड 1 फॉर द स्मॉल M1 डिवाइडेड बाय EI इंटू DX। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास लिमिट है दैट इज 0 to 3, कैपिटल M विल बी -5x² एंड स्मॉल M विल बी X ओनली डिवाइडेड बाय EI इंटू DX। सो रिटर्न इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है -101.28 डिवाइडेड बाई ई। वॉट एवर ये जो वैल्यूज मिला, आफ्टर दैट वी विल यूज द नेक्स्ट स्टेप दैट इज नथिंग बट योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अपना क्या है दैट इज लेट अस राइट डाउन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इज एक्चुअल डेल्टा will be nothing but Δl plus F into R। okay, अभी actual delta अगर observe करोगे, देखो यहाँ पे main diagram में अगर observe करोगे इसी diagram में, तो यहाँ पे vertical direction में coordinate कौन सा है अपना, vertical coordinate। तो at point B vertical direction में कोई displacement possible है क्या, obviously नहीं है, यहाँ पे delta zero ही रहेगा, actual delta zero रहेगा। अगर यहाँ पे settlement of the B अगर दिया होता था तो ही यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू हम लोग कंसिडर करते थे। सपोर्ट का सेटलमेंट कभी कभी दिया रहता है, एट दैट टाइम ही अपने को यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू मिलेगा, लेकिन डेल्टा 99% अदरवाइज जीरो ही रहेगा। सो वी कैन से डेल्टा विल बी जीरो, विल बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा -101.28 डिवाइडेड बाय EI प्लस F इज नथिंग बट जो हम लोगों ने निकाला हुआ है दैट इज कोएफिशिएंट 9/EI एंड योर आर इज नथिंग बट योर कोऑर्डिनेट अननोन रिडंडेंट जो हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने एज्यूम किया है दैट इज VB, तो वो अननोन रहेगा इसमें। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VB एंड आई थिंक VB इज नथिंग बट 11.25 विच इज पॉजिटिव। Once we get the VB value, then we can solve that beam. That is, we can say कि यहाँ पर already अगर मेरे को VB पता है तो हम लोग बाकी के unknowns find out कर सकते हैं by using basic or we can say static equilibrium equations. As we know, यहाँ पर अपने पास UDL है 10 kN/m, ये अपने पास distance है और अपने को ये unknown अभी पता है that is 11.25. सो इफ यू नो दिस अननोन तो इसको हम लोग पॉइंट लोड ही कंसिडर कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट दिस वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वी कैन से मोमेंट।
सो वी कैन से यहाँ पे वी ए बोल सकते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम ए. सो वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, और वी कैन से रिएक्शन एट पॉइंट ए, दैट इज टू फाइंड आउट द एम ए वैल्यू. वी कैन टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी जीरो. फॉर दैट वी कैन कंसिडर क्लॉक वाइज मोमेंट पॉजिटिव. सो इफ यू टेक द समेशन ऑफ मोमेंट, तो ये एम ए का खुद का भी यहाँ पे कुछ है एग्जिस्टेंस, तो ये इसका वैल्यू भी कंसिडर होगा, विच इज़ इन एंटी क्लॉक वाइज. तो ये आ जाएगा माइनस एम ए प्लस, ये देखो 10 kN/m, इसका अगर मोमेंट लेंगे ए पॉइंट के ऊपर तो ये आ जाएगा क्लॉक वाइज में. सो इट विल बी पॉजिटिव. 10 × टोटल डिस्टेंस इज 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 3/2. उसके बाद ये 11.25 का भी आएगा, इट इज़ इन एंटी क्लॉक वाइज, सो दैट विल बी नेगेटिव. 11.25 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 m, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. वी ए का नहीं आएगा बिकॉज वी ए इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो इट विल बी 0. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एम ए. इफ यू हैव आंसर प्लीज यू कैन टेल मी. 10 × 3² / 2 माइनस 11.25. यस 11.25. दिस इज ऑल्सो 11.25. ये भी तुम लोग का पॉजिटिव है, मतलब ये डिरेक्शन बराबर है. आफ्टर दैट सॉरी ये किलोन्यूटन मीटर, ओके मोमेंट है ये वैल्यू. उसके बाद वी ए का वैल्यू अगर निकालना है, वी कैन सिंपली टेक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से वी ए प्लस वी बी, वी बी का वैल्यू ऑलरेडी पता है अपने को, दैट इज 11.25. दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड लोड, दैट इज 10 × 3. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी ए, विच इज़ नथिंग बट 30 माइनस 11.25, विच इज़ नथिंग बट 18.75. ओके सब वैल्यूज निकालने के बाद देन वी कैन सिंपली टेक द योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखो, जो हम लोगों ने दो टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सिंपली हम लोग जो मॉस में निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं, और अभी हम लोगों ने जो SA2 में सीखा है वो भी उसके हिसाब से नॉर्मली जाओ. एज अपने पास अगर जॉइंट मोमेंट्स है, वैल्यू पता है, तो जॉइंट मोमेंट्स अलग से निकालो. जो तुम लोगों का फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसके लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोला. दोनों ओवरलैप कर दो. देखो सिंपली यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे आएगा, दैट इज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ UDL के लिए बनाऊंगा तो UDL के लिए कुछ ऐसा बनेगा, जिसका मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट WL² / 8. 10 के लिए WL² / 8 अगर चेक करोगे, 10 × 3² / 8 विल बी 11.25. ओके ये पॉजिटिव हो गया. सेकेंड वन देखो, ये एम ए की वजह से जो आएगा, यहाँ पे मोमेंट जीरो है, यहाँ पे मोमेंट है एम ए विच इज़ इन एंटी क्लॉक वाइज. तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे अगर सेक्शन रखता हो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉक वाइज क्या रहता है, इट इज़ नेगेटिव. ओके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव रहता है. और हम लोग फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं. ओके दिस इज ऑल्सो 11.25. सिर्फ हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे विद द मोमेंट एट पॉइंट बी विच इज़ जीरो. ये ओवरलैपिंग होने के बाद जो चला जाएगा, उसके बाद जो बचेगा, दैट इज़ योर एक्चुअल डायग्राम. दिस इज अवर नेगेटिव वन, दिस इज पॉजिटिव. इफ यू वांट यहाँ पे भी हम लोग ये कर सकते हैं, वॉट एवर ये जो शेडेड पोर्शन है इट इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके ये पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग की वजह से चला गया. सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. ओके इज देयर एनी डाउट? मेथड बहुत सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा. सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस ओनली, कि अपने को पहले कैपिटल एम डायग्राम बनाना है. पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिमूव द रिडंडेंट, जो अपने पास अननोन रहेंगे एक्स्ट्रा अननोन, वो हम लोग रिमूव करेंगे, उसको हम लोग रिडंडेंट एज्यूम करते हैं. उसके लिए हम लोग डिरेक्शंस कोऑर्डिनेट यहाँ पे असाइन करेंगे, सो दैट इट विल बी सिंप्लीफिकेशन फॉर द कैलकुलेशन. आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द कैपिटल एम डायग्राम, जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग रहेगा बट वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रहेगा. उसके बाद स्मॉल एम डायग्राम बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग रिमूव कर देंगे. वी विल जस्ट अप्लाई द यूनिट लोड एंड देन वी विल गो फॉर द टेबल
टेबल में हम लोगों को अगर कितना M1 M2 अगर दिया है उसके हिसाब से हम लोग ये टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उसके लिए हम लोग कैपिटल M स्मॉल M1 कैलकुलेशन यहाँ पे पैरामीटर्स लिखेंगे। देन वी विल सिंपली फाइंड आउट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ेंगे। देन वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग इन द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड देन वी विल यूज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ओके, ट्राई टू रिमेंबर दैट मैं सिर्फ एक अननोन का ही तुम लोगों को सिखाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को नहीं आना चाहिए बाकी का। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द अदर वीडियोज ऑन द यूट्यूब। तुम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है यूट्यूब में वीडियोज, तो उसको भी तुम लोग देख सकते हो सो दैट यू विल गेट आइडिया कि हम लोग के पास अगर नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे।